मित्रों नमस्कार। 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन का त्यौहार है। यह त्यौहार सभी हिंदू भाई बहन मनाते हैं। इसे वैदिक रक्षा सूत्र भी कहते हैं। रक्षा सूत्र मात्र एक धागा नहीं है, बल्कि शुभ भावनाओं व शुभ संकल्पों का पुलिंदा है। यही सूत्र जब वैदिक रीति से बनाया जाता है और शुभ संकल्प के साथ इसे बांधा जाता है, तो इसका सामर्थ्य असीम हो जाता है। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं, और रक्षा सूत्र यदि वैदिक रीति से बनाई जाए तो शास्त्रों में भी उसका बड़ा महत्व है। अब यह राखी कैसे बनाएं, इसके लिए क्या करें हम, कि वैदिक राखी बनाने के लिए एक छोटा सा ऊनी, सूती या रेशमी पीले कपड़े का टुकड़ा लें। उसमें दूर्वा, जिसे घास भी कहते हैं, दूर्वा घास, अक्षत मतलब साबुत चावल, केसर या हल्दी, शुद्ध चंदन, सरसों के साबुत दाने, इन पांचों चीज़ों को मिलाकर कपड़े में बांधकर सिलाई कर दें। फिर कलावे से जोड़कर राखी का आकार दें। सामर्थ्य हो तो उपरोक्त पांच वस्तुओं के साथ स्वर्ण भी डाल सकते हैं। वैदिक राखी का महत्व बहुत ही अधिक है। वैदिक राखी में डाली जाने वाली वस्तुएं हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाने वाले संकल्पों को पोषित करती है। घास, यह घास दूर्वा घास अंकुर अगर हम जमीन में लगा दें तो यह बहुत ज़्यादा फैल जाती है। वैसे ही हमारे भाई या हितैषी के जीवन में भी सद्गुण फैलते जाएं, बढ़ते जाएं, इस भावना का द्योतक है यह घास। यह घास गणेश जी को प्रिय बहुत है, अर्थात हम जिसको भी राखी बांध रहे हैं उनके जीवन में आने वाले विघ्नों का नाश हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। दूसरी चीज है चावल, जिसे हम अक्षत भी कहते हैं। हमारी भक्ति और श्रद्धा भगवान के गुरु के चरणों में अक्षत हो, अखंड हो और अटूट हो, कभी शक्त विक्षक्त ना हो, यह अक्षत का संकेत है। अक्षत पूर्णता की भावना के प्रतीक हैं। जो कुछ ही अर्पित किया जाए पूरी भावना के साथ किया जाए। फिर तीसरी चीज होती है केसर या हल्दी, जो पीले रंग से मतलब होता है, इसलिए केसर की प्रकृति तेज होती है, अर्थात हम जिनको ये रक्षा सूत्र बांध रहे हैं उनका जीवन तेजस्वी हो, उनका आध्यात्मिकता तेज, भक्ति और ज्ञान का तेज बढ़ता जाए। केसर की जगह किसी हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी शुभ का प्रतीक है। यह नजर दोष व नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है तथा उत्तम स्वास्थ्य व संपन्नता भी लाती है। पाँचवीं चीज़ है इसमें सरसों। सरसों बहुत तीक्ष्ण होती है। इसी प्रकार हम अपने दुर्गुणों का विनाश करने में, समाज द्रोहियों को सबक सिखाने में तीक्ष्ण बने। अतः यह वैदिक रक्षा सूत्र वैदिक संकल्पों से परिपूर्ण होकर सर्व मंगलाकारी है। रक्षा सूत्र बांधते समय यह श्लोक भी बोलें। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अभी बधनामी रक्षे मा चल मा चल। और इस मंत्रोच्चारण के साथ शुभ संपल्प सहित वैदिक राखी बहन अपने भाई को, माँ अपने बेटे को, दादी अपने पोते को बांध सकती है। यही नहीं, शिष्य भी इस वैदिक राखी को अपने गुरु को प्रेम सहित अर्पण कर सकता है, तो उसकी भी सब अमंगलों से रक्षा होती है। महाभारत में यह रक्षा सूत्र माता कुंती ने अपने पोते अभिमन्यु को बांधी थी। जब तक यह धागा अभिमन्यु के हाथ में था तब तक उसकी रक्षा हुई। धागा टूटने पर अभिमन्यु की मृत्यु हुई। इस प्रकार इन पांच वस्तुओं में बनी हुई वैदिक राखी को नियमानुसार बांधते हैं। हम पुत्र, पौत्र और बंधुजनों सहित वर्ष भर सुखी रहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं रक्षा सूत्र, जैसे विप्र रक्षा सूत्र। रक्षाबंधन के दिन किसी तीर्थ या जलाशय में जाकर वैदिक अनुष्ठान करने के बाद सिद्ध रक्षा सूत्र को विद्वान पुरोहित ब्राह्मण द्वारा वाचन करते हुए, मंत्र बोलते हुए यजमान के दाहिने हाथ में बांधना चाहिए, जिससे गुरु रक्षा सूत्र। सर्व सामर्थ्यवान गुरु अपने शिष्य के कल्याण के लिए इसे बांधते हैं। मातृ पितृ रक्षा सूत्र। अपनी संतान की रक्षा के लिए माता पिता द्वारा बांधा गया रक्षा सूत्र शास्त्रों में करंडक कहा जाता है।
भ्रातृ रक्षा सूत्र आप अपने बड़े भाई या छोटे भाई को भी समस्त विघ्नों से रक्षा के लिए बांध सकते हैं। देवता भी एक दूसरे को इसी प्रकार रक्षा सूत्र बांधते थे। स्वर्ष रक्षा सूत्र, पुरोहित या वेद पाठी ब्राह्मण द्वारा रक्षा सूत्र बांधने के बाद बहन का पूरी श्रद्धा से भाई की दाहिनी कलाई पर समस्त कष्ट से रक्षा।